हमारी जो मांग है वो सबसे पहली मांग है, ये जो तीन काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए और MSP की गारंटी दी जाए। देखिए अब मैं आपको तीनों कानून बता देता हूँ जी, ठीक है, और मैं आपको फिर MSP की गारंटी भी बताऊँगा, पर बीच में टोकिएगा मत जी, ठीक है। मेरी पहले बात पूरी होगी जब आप अपना जो क्वेश्चन है वो करिएगा। देखिए अब जो सबसे पहला कानून है वो है मंडी को लेकर, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, और जो तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब मैं इनके पॉइंट गिना रहा हूँ, ठीक है। अब जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, इसमें ये कानून में लिखा है कि आप जो अपनी फसल है उसको पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो। अब किसान बेचारा गरीब, उसके देखिए जितने 100 में से 50% किसान के पास 1 से 4 बीघा तक का खेत है, उसमें कितनी फसल उगेगी, ठीक है। और फिर वो किराए की गाड़ी करेगा, फिर रास्ते में पेट्रोल भरवाएगा, डीजल का खर्चा होगा, फिर टोल टैक्स का खर्चा होगा, इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसका खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और MSP की गारंटी दी जाए, जिससे जो फसल की रेट तय है उस पे ही जो पास की मंडी है उसमें ही वो बिके। और अब दूसरा कानून बताता हूँ, ये है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज में पहले एक लिमिट होती थी कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो इसको स्टोर कर लें। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। तो ये सारी जब फसल स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेगी। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान और वो उसके कंपनी के बीच में, उसमें उस पर लिखा होता है कि जो आपकी फसल की तय रेट है उस पर ही हम खरीदेंगे। अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल का क्या है गारंटी कि इसकी फसल बिकेगी कि इस रेट तय रेट पे? वो तो बेचारा भटकता रहेगा, गाड़ियां करेगा, कहाँ कहाँ घूमेगा, बेचारे को अच्छे शहर का रास्ता नहीं पता होता, वो कहाँ कहाँ घूमेगा जाएगा, इतनी जगहों पे कहाँ पे सही रेट मिल रही है। इसलिए ये तीसरा कानून गलत है। देखिए MSP की गारंटी है, देखिए सबसे पहले मैं MSP का फुल फॉर्म बता देता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मैं बताता हूँ कि जो MSP होती है वो एक फसल की जो रेट तय होती है वो होता है, वो जो रेट तय है उस पर नहीं बिकती, बस 6% किसानों की उस पर बिकती है फसल। इसलिए हमें MSP की गारंटी चाहिए जिसपे सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी किसान हैं सबकी तय रेट पे बिके। अभी तक नीचे ही बिकती आई है, इसलिए चाहिए कि MSP की गारंटी दी जाए। हमने सुजानगढ़ में BJP का पूरा विरोध करा था, उधर हमारी जीत हुई। हमने बंगाल में भी करा था, उधर भी हमारी जीत हुई। आगे UP में भी जीत होगी और एक दिन पूरे इंडिया में जीत होगी, और ये कानून वापस होके रहेंगे, MSP की गारंटी मिल के रहेगी। अगर अब हम यूपी में भी जाके आए थे, वहाँ पे भी हम गए थे, वहाँ पे फिर जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे न्यूज़ आई कि स्कूल खुल चुके हैं पंजाब में, तो हम वहाँ पे आ गए हैं और अब मैं आप पे पढ़ाई करूँगा और संडे को या जिस भी दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं जाऊँगा, वहाँ पे किसानों के साथ रहूँगा। मान लो मैं आपको एक तोहफ़ी दे रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए, आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। जब आप मना कर रहे हो तो मैं आपको ज़बरदस्ती क्यों दूँ? जब किसान को नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हो आप ज़बरदस्ती? ले लीजिए वापस, हम नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए वापस ले लीजिए। मोदी जी आप वो हैं, इतने अच्छे अच्छे आपने काम करे हैं, हम नहीं कहते कि इनको हमेशा के लिए वापस लीजिए, हम कहते हैं ओके ले लीजिए, एक बार किसानों से बात करिए, किसानों की सहमति लीजिए, जब जाके ये कानून आप लागू करें। आप तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, और हाँ एक और बात, और हमें किसान के जो बेटे हैं हमें संस्कार दिए गए हैं कि जो दुश्मन है उसको भी जी लगा के बोलना है। अगर हम ये बच्चे जो हैं और बड़े भी अगर एक बिस्किट को पार्ले जी लगा के कह सकते हैं, तो हम अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं कहेंगे मोदी 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 जी। आपको मैं ये बता दूं, और कई अंधभक्त हैं
जो ऐसे बोलेंगे उनके लिए ये है। देखिए इन्होंने पहले भी कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, दुगनी होगी, दुगनी हो गई, कहाँ हुई दुगनी? अब कैसे दुगनी हो जाएगी जब तुमने पहले चुनाव का टाइम कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो गई दुगनी? वाह कितनी ज़्यादा दुगनी हो गई। और देखिए ये कहते थे पेट्रोल के दाम कम होंगे, हो गए भैया इतने सस्ता, दाम तो कभी हुआ ही नहीं। वाह आप पे किसी उद्योगपति का प्रेशर है तो हमें बताएं, आपने इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आप बदल गए हैं, आप पे किसी ने जादू मंत्र फेर दिया है? हमें बताइए किसी उद्योगपति का, बड़े उद्योगपति का आप पे प्रेशर है तो पूरा देश आपके साथ है, हमें बताइए। देखिए फंडिंग जहाँ पे हो रही है, जहाँ से वो पैसा ले रहे हैं उसकी वीडियो दिखाएं मुझे, ठीक है? और आपने कहा कि नकली किसान है पिकनिक मना रहे हैं। देखिए अगर पिकनिक मनाने आते ना, मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि कोई पिकनिक मनाने जा रही है, कोई ग्रुप जा रहा है पूरा, और उधर एक बंदा मर जाता है, भगवान ना करे कोई पिकनिक पे जाए और कोई मर जाए, भगवान ना करे, मान लो कि ऐसा हो जाए तो फिर वो वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, भाग जाएंगे ना वापस कि उनको भी कुछ ना हो जाए, चलो चलो यहाँ से, हो जाएगा ऐसे? तो अगर ये पिकनिक मना रहे होते तो ये जो 500 किसान जो शहीद हुए हैं ये अगर एक भी हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। और धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो 500 किसान जो शहीद हो गए हैं उनके ऊपर इन्होंने 2 मिनट का मौन नहीं रखा, भगवान ना करे कोई नेता मर जाए और उसके लिए मौन रखा जाता है संसद में, ये 500 किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? ये भी देश के नागरिक थे। मोदी जी मैं आपको एक बात बता दूं, महाराजा सूरजमल का वंशज हूं मैं, उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते थे। भरतपुर का लोहागढ़ किला है ना जो, उसमें हम दिल्ली से गेट उखाड़ के ले आए थे, आज तक लगे हुए हैं वहां पे, रखे हुए हैं, ठीक है ना? और अंग्रेजों ने 13 बार हमला करा था और 13 बार हार के गए थे भरतपुर से। पहले ऐसे वो राजा थे जो किसान, एक किसान थे वो, पहले किसान से राजा बने। तो आपको बता दूं अब लगता है कि हमें अब सरकार के भी गेट उखाड़ के ले जाने पड़ेंगे। बहुत लंबा चल रहा, अभी तक कुछ हल नहीं निकला। तो देखिए आज़ादी की लड़ाई भी 90 साल चली थी और हमारा भी ज़्यादा दिन का नहीं है, बस 2024 तक रुको, ये अगर कानून वापस नहीं करेंगे 2024 तक तो, नहीं तो गद्दी वापस करेंगे, ठीक है? और आपने पूछा कि ये बुला रहे हैं पर हम जा नहीं रहे। देखिए सबसे पहले तो सरकार जो है उसको प्रोफेशनली काम नहीं करना आता क्या? प्रोफेशनली काम होता है कि एक लेटर भेजा जाए कि ये आ जाओ हम वार्ता के लिए तैयार हैं, नीचे साइन हो, और हमें जगह बताई जाए कहाँ पे आना है और टाइम बताया जाए, ठीक है? देखिए अगर इनकी संसद में सही नहीं बोला जाएगा, सच की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो हम अपनी संसद में उठाएंगे। अगर ये मैं जो इन्होंने नारे लगाए थे कांग्रेस वालों ने, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को वोट दो या किसी को भी वोट दे दो, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इतना कह रहा हूँ जो पार्टी ने किसानों की बात उठाई, वेरी गुड, आपने किसानों के लिए संसद में नारे लगाए, थैंक यू। पर कई देशवासी कहेंगे कि ये तो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो सच की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, सच को सच कहेगा और झूठ को झूठ कहना है, ऐसे नहीं चलेगा। जो सच को झूठ कहेगा और झूठ को सही कहेगा उसका राज नहीं चलने वाला देश पे, बिल्कुल नहीं। 2024 में मोदी जी आपको पता लग जाएगा कि ये नकली किसान है कि असली किसान है, और आपको बता देंगे कि किसानों की इज्जत करना सीख जाइए आप। पहले आप इतनी बातें करते हैं और बाद में आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, मैं नहीं कहता आपने गंदे काम करे हैं, कुछ करा ही नहीं है, बहुत अच्छे काम करेंगे, ये जो गलत काम करा है इसके लिए माफ़ी मांगे, और जो 500 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए मौन रखे संसद में, और फिर इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान के साथ बात करिए।